जिला बूंदी राजस्थान मनीष सेन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार इंद्रगढ़ तहसील सुमेरगंज मंडी में जलदाय विभाग के द्वारा की जा रही अनियमित जलापूर्ति के विरोध में सुमेरगंज मंडी के निवासियों ने आक्रोश जताते हुए बड़ी संख्याओं में महिलाओं व पुरुषों ने जलदाय विभाग के सामने आकर विरोध जताते हुए आवागमन को अवरुद्ध करते हुए चक्का जाम कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता पवन शर्मा ने बताया कि विगत कई दिनों से सुमेरगंज मंडी के वार्ड 13-14 में आम जनता को पानी की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बार अवगत कराने के बाद भी जलदाय विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। कई मोहल्लों में पानी की इस आपूर्ति नाम मात्र के लिए की जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में आम जनता को पीने के पानी के लिए अपने घरों से दूर हैंडपम्पों की शरण लेनी पड़ रही है। अगर यही हालात रहे तो आम जनता को मजबूरी में आंदोलन के लिए विवश होना पड़ सकता है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने लोगों से समझाइश करके जाम को हटाया। पवन शर्मा, फारूक खान, वसीम खान, दीपक पालीवाल, आरिफ मोहम्मद, रमेश कुमार मौजूद रहे। आज किस मामले को लेकर सुमेरगंज मंडी में चक्का जाम लगाया है? सुमेरगंज मंडी में जलदाय विभाग की जलापूर्ति जो हो रही है उसमें अनियमितताओं का दौर चल रहा है। कई कई इलाके तो ऐसे हैं वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, और कई इलाके ऐसे हैं जिनमें खेतियाँ की जा रही है, पर कहीं के पानी की से खेती की जा रही है। जो पानी बात पर पब्लिक में भारी आक्रोश था। आज कई मोहल्लों में एक बूंद पानी नहीं आने के कारण पिछले 2-3 दिन से परेशानी थी, तो आज सुमेरगंज मंडी की जिन मोहल्लों में पानी नहीं आया उन औरतों ने, बाल बच्चों ने यहाँ मेन रास्ते पर आकर जाम लगाया है। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों द्वारा अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। प्रशासन द्वारा अभी तो इसका हल निकालने के लिए मौखिक आदेश दिए गए हैं, जिस पर कार्यवाही कब तक होती है ये देखा जाएगा। अगर शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो पुनः आंदोलन की तैयारी की जाएगी।